हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम बनाने वाले मिक्स वेज, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे लिए गाजर, आलू, गोभी और शिमला मिर्च जिसको मैंने कट कर लिया है, और ये तीन टमाटर मसाला बनाने के लिए जिसको मैंने बारीक काट लिया है, पनीर और ये अदरक लहसुन। अगर आप लहसुन खाना पसंद नहीं करते तो उसको स्किप भी कर सकते हो। तीन हरी मिर्च लिए हैं, एक कटी हुई टमाटर और तीन प्याज जिसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है, दो तेज पत्ता, तीन लौंग, दो दालचीनी के टुकड़े और दो सूखी लाल मिर्च। तो सबसे पहले हम सब्जी को फ्राई कर लेंगे। तो उसके लिए मैंने कढ़ाई में तेल ले लिया है, तेल को हमें गरम कर लेना है। और तेल हमारा गरम हो चुका है, गैस का फ्लेम अब हम कम कर देंगे और अब हम सब्जी फ्राई करेंगे। तो सबसे पहले मैं आलू को फ्राई करूँगी और अभी और इसे हमें हल्का सा कलर चेंज होने तक ही फ्राई करना है। और ये देखिए आलू का कलर चेंज हो चुका है, आलू अच्छे से फ्राई हो चुका है। और अब मैं इसमें डालूंगी गाजर, और इसी तरीके से हमें गाजर को फ्राई कर लेना है। और गैस का फ्लेम अभी हमें कम ही रखना है। और ये देखिए आलू और गाजर अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब मैं इसमें बाकी की बची हुई सब्जी अब डाल दूंगी और इन सब को अच्छे से मिक्स करते हुए हमें फ्राई कर लेना है। और ये देखिए सब्जियाँ फ्राई हो चुकी है। अब मैं इसको एक प्लेट में निकाल लेती हूँ। सब्जी को हमें बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, सब्जी का जो कच्चापन होता है वो इससे निकल जाता है और सब्जी में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, इसलिए हम फ्राई करते हैं। और अभी इसी बचे हुए तेल में हम पनीर को फ्राई कर लेंगे। और पनीर को भी हमें बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, हल्का सा कलर चेंज होने तक इसको फ्राई करना है। और ये देखिए पनीर का कलर चेंज हो चुका है। अब मैं इसको भी एक प्लेट में निकाल लेती हूँ। मिक्स वेज में आप अपनी पसंद की कोई भी सब्जी यूज कर सकते हो। और ये देखिए सब्जी हमारी फ्राई हो चुकी है। इसी तरीके से हमें सारी सब्जी फ्राई करनी है। मैं आपको थोड़ा सा तोड़ के दिखा देती हूँ। ये देखिए ऐसे ही हमें फ्राई करनी है। और अब हम सब्जी बनाना शुरू करेंगे। तो कढ़ाई में हम ले लेंगे तेल, तेल को हमें गर्म होने देना है। तेल हमारा गर्म हो चुका है, गैस का फ्लेम अब हम कम कर देंगे और इसमें डालूंगी एक छोटा चम्मच जीरा। जीरे को हमें अच्छे से चटकने देना है और उसके बाद मैं इसमें डालूंगी एक चौथाई छोटे चम्मच हींग। हींग से इसमें बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, तड़के के लिए भी हींग को यूज किया जाता है। अब मैं इसमें खड़े मसाले उसको डाल दूंगी और लाल मिर्ची को भी हमें बचा लेना है। इनका फ्लेवर आने तक हमें इसको हल्का सा भूनना है। और अब मैं इसमें डालूंगी चॉप किए हुए प्याज। मैंने यहाँ पे तीन मीडियम साइज़ के प्याज लिए थे। और प्याज को अभी हमें कलर चेंज होने तक ही हल्का सा भूनना है। और ये देखिए प्याज का कलर चेंज हो चुका है। अब मैं इसमें डालूंगी अदरक और लहसुन। अदरक और लहसुन को मैंने चॉप किया था, आप चाहे तो इसका पेस्ट भी बना सकते हो। और ये तीन हरी मिर्च जिसको मैंने इसे बारीक काट के इसमें डाल दिया है। और यहाँ पे हम सूखी मिर्ची इसमें ऐड कर देंगे और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 2 मिनट के लिए ढक देंगे ताकि अच्छे से पक जाए। और ये देखिए सारी मसाले अच्छे से पक चुके हैं। अब मैं इसको मिक्स कर लेती हूँ हल्का सा। और अब मैं इसमें डालूँगी टमाटर, और टमाटर को जल्दी कुक करने के लिए मैं इसमें ऐड करूँगी नमक। तो मैंने यहाँ पे एक छोटा चम्मच नमक लिया या फिर स्वाद अनुसार, और इसे अच्छे से मिक्स कर देना है। और अब मैं इसको 2 मिनट के लिए ढक दूंगी ताकि टमाटर जल्दी से पक जाए। 2 मिनट हो चुके हैं और ये देखिए टमाटर भी हमारे अच्छे से पक चुके हैं। और मैं इसमें से अब थोड़ा सा मसाला अलग से निकाल लेती हूँ प्यूरी बनाने के लिए। आप चाहे तो प्यूरी के लिए अलग से टमाटर और प्याज को फ्राई करके उसकी बना सकते हो, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। और तो हम इसी में से इसको निकाल लेते हैं और इसमें जो खड़े मसाले हैं उसको हम अलग कर देंगे मसाले से ताकि वो मसाले के साथ ना पिसे। और अब इसमें खड़े मसाले सॉरी सूखे मसाले ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पे आधा छोटे चम्मच हल्दी, आधा छोटे चम्मच धनिया और आधा छोटे चम्मच जीरा पाउडर ऐड किया है।
और मिर्ची मैं इसमें थोड़ी ज़्यादा डालूंगी टेस्ट के लिए। तो मैंने यहाँ पे 2 छोटे चम्मच लाल मिर्च पाउडर लिया है और इन सबको हमें अच्छे से मिक्स कर देना है। और सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। अब मैं इसको 1 मिनट के लिए ढक दूंगी ताकि जो मसाले हैं वो अच्छे से भुन जाए। और ये देखिए सारे मसाले अच्छे से पक चुके हैं, मसाले ने ऑयल भी छोड़ दिया है और इसे हम मिक्स कर लेंगे। और अब हम यहाँ पे डालेंगे फ्राई किए हुए सब्जी। सारी सब्जी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे मसाले के साथ। सारी सब्जी अच्छे से मिक्स हो चुकी है। अब मैं इसको ढक दूंगी 5 मिनट के लिए ताकि ये अच्छे से पक जाए। 5 मिनट हो चुके हैं, सब्जी को हम फिर से चला लेंगे। और अब हम इसमें डालेंगे प्यूरी जो हमने अलग से मसाला निकाला था उसका, इससे इसमें सब्जी में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और इसी के साथ मैं यहाँ पे थोड़ा सा पानी भी ऐड करूँगी और इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। और देखिए प्यूरी भी अच्छे से मिक्स हो चुकी है मसाले में। और अब मैं यहाँ पे डालूंगी 1/2 छोटा चम्मच गरम मसाला और इसे भी हमें मिक्स कर लेना है। और सब्जी को हमें फिर से 5 मिनट के लिए ढक के पकाना है। हम देख लेते हैं कि सब्जी हमारी बनी है नहीं बनी, तो इसको हम पहले मिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड्स अभी अभी हमारी सब्जी बनी नहीं है तो अभी हमें इसको हल्का सा और पकाना है। तो मैं इसमें अब डालूंगी फ्राई किया हुआ पनीर और इसे अब हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और पनीर के साथ मैं यहाँ पे डालूंगी कसूरी मेथी 1/2 छोटे चम्मच, इससे इसमें बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है और खुशबू बहुत ही अच्छी आती है सब्जी में। और इसे भी अब हम मिक्स कर लेंगे। कसूरी मेथी को हमेशा हमें क्रश करके ही डालना है। और देखिए सब्जी को हमें इसी तरीके से मिक्स कर लेना है। और मैं इसको ढक दूंगी फिर से और 5 मिनट के लिए पकाना है। और ये देखिए सब्जी फ्रेंड्स हमारी बन के तैयार है, बहुत ही अच्छी सब्जी बनी है। गैस अब हम बंद कर देंगे और अब मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा हरा धनिया। और ये थोड़ा सा पनीर है जिसको मैंने कद्दूकस कर लिया था हल्का सा, इससे इसमें बहुत ही अच्छा लुक आएगा सब्जी में। फ्रेंड्स आप भी ये रेसिपी बनाइए, खाइए और मुझे कमेंट्स करके बताइए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले बेल आइकन के साथ। वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ।